जगन्नाथपुर के शिवालय टेहू के प्राचीन मंदिर शिव मंदिर पर मंदिर कमेटी द्वारा तथा क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के विशेष सहयोग से राम दरबार मंदिर का भूमि पूजन किया गया। मंदिर के भूमि पूजन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं एतमादपुर पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। राम दरबार भूमि पूजन में पहुंचे जगवीर सिंह तोमर, ब्रज क्षेत्र किसान मोर्चा महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष में सभी श्रद्धालुओं का इस पल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित किया। और राम प्रताप सिंह चौहान एवं जगवीर सिंह तोमर ने मंदिर कमेटी को आश्वस्त किया, मंदिर से संबंध किसी भी विषय की कमेटी हमसे आशा रखती है, उस पर हम खरे उतरने का काम करेंगे। राम दरबार में जय श्री राम के नारे से शिवालय टेहू गूंज उठा। राम दरबार के निर्माण के लिए आज यहाँ शिलान्यास हुआ है और शिलान्यास में मुझे तो रहने का आप सब लोगों ने प्रभु ने अवसर प्रदान किया है। जो भव्य और दिव्य मंदिर बने उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। के माध्यम से जिला परिषद के माध्यम से उसको कराएंगे और तमाम अन्नदाता लोग यहाँ हैं वो भी जो उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये योगी की सरकार है और सन 17 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से शुरुआत हुई थी मंदिरों के लिए आर्थिक सहयोग करने की, धन देने की। पहले नहीं थी व्यवस्था और पहले एक लिमिट थी कुछ रुपये की, दूसरी सरकार में इस बार उसको बढ़ा दिया गया है। उसका काम करेंगे और यहाँ भी कहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर प्रभु राम का दरबार है, प्रभु राम करेंगे। होइए वही जो राम रच राखा, और सबसे मैंने यही कहा है कि हमको उसके लिए पूरे प्रयास करने हैं, विश्राम नहीं करने हैं। राम काज कीजिए बिना होए कहाँ विश्राम, उस भाव से जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। इससे केवल शिवालय टेहू के लोग ही नहीं, आस पास के लोग यहाँ आते हैं मंदिर पर, तो उनके लिए जाना एक अच्छा स्थल होगा। यही यहाँ की समिति का, सभी जो गाँव के निवासी हैं सबका यही विश्व मंदिर टेहू में है और काफ़ी इस मंदिर की यहाँ पर मान्यता है। एतमापुर विधानसभा का एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो शिवलिंग है, कई शिवलिंग जमीन से निकली हुई हैं, तो काफ़ी प्राचीन होने के कारण जब मंदिर तो था ही, फिर हमारे आदरणीय जो यहाँ के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बनाए हैं आदरणीय नवरतन सिंह जी, जब शिक्षा विभाग से रिटायर होने के बाद में उन्होंने अपना पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया है और उन्होंने आज एक राम दरबार के लिए भी भूमि पूजन का आयोजन रखा है। तो ये यहाँ जो कितना पुराना मंदिर है और क्या कुछ मान्यता है यहाँ पर, तो अभी इन्होंने बताया है जमीन तो मुझे लगभग यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति में है करीब 10 या 12 बीघा जमीन होगी, परंतु इन्होंने बताया है कि यहाँ पर करीब 15 से 20 बीघा पक्के, करीब 50-60 बीघा इस मंदिर से लगी हुई है, परंतु यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि वो जमीन जब फालतू जमीन पड़ी है तो हो सकता है कि भाई लोगों ने जोत रखी हो। और मेरा तो यही अनुरोध है कि इस मंदिर में आज इन्होंने अपनी सेवानिवृत्त होने के बाद में पूरा जीवन ग्रस्त जीवन होने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करके एक भजन संध्या पूजा के लिए और राम दरबार की स्थापना के लिए यहाँ पर जो आज आयोजन रखा है बहुत ही भव्य और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं इनको सबसे बड़ी मैं बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने ये कार्य सोचा और इसमें भी हम लोगों का सबका सहयोग रहेगा और मैं प्रदेश सरकार से माननीय जयवीर सिंह जो सांस्कृतिक पर्यटक मंत्री हैं उनसे भी अनुरोध करके इसके लिए कुछ न कुछ माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार योगी जी के माध्यम से यहाँ पर कुछ स्वीकृति मिले और निश्चित तौर पर मिलेगी, मैं ये विश्वास और सेवा नंबर तो होने के पश्चात मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम किया गया मंदिर? आज भूमि पूजन किया गया था श्री राम दरबार। कौन कौन अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे? क्या कार्यक्रम के रूप में हमारे सभी मुख्य अतिथि के रूप में हैं, जो भी हमारे भक्तगण हैं, जो भी हमारे नेता लोग जो हमने उनको आमंत्रित किया वो सभी आ रहे हैं और कुछ आ रहे होंगे, हो सकता है काम लग गया हो, लेकिन आ रहे हैं। जैसे हमारे अभी हमारे बीच में हमारे ठाकुर साहब श्री जगदीश सिंह जी नदी के प्राप्त हैं, ऐसे ही अन्य नेतागण भी आ रहे हैं
और जो भी है वो अच्छा हुआ है, अपना बढ़िया लगा यहाँ का। इधर मैं बचपन से देखता आ रहा था, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि यहाँ आता। जब इस बार में आया तो यहाँ पर सब लोगों ने मंदिर को जीर्णोद्धार और ये सब की बातें हुई, मंदिर की कमेटी के प्रयासों से अच्छा बढ़ रहा है और उन्होंने अच्छा मेहनत किया है। जो कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और जो महासचिव हैं शर्मा साहब या नॉर्टन साहब और इनकी जो कमेटी है वो पूरे सहयोग से काम कर रही है। यहाँ पहले एक दो आदमी दिखता था, आज जब इतना भरा हुआ है, हमारी इच्छा यही है कि सब तरह से लोग आए, सहयोग करें और मंदिर को ऊपर बढ़ाएं। बोलो शिव शंकर की, बोलो भोलेनाथ की। मंदिर कितने एरिया में बनना है, कब तक तैयार होगा, कितनी इसकी लागत लगेगी? मंदिर की लागत का अंदाज इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि दिन पर दिन हम लोगों की जो इच्छा है वो बढ़ती जा रही है। मंदिर क्योंकि आज का नहीं है, आज का पांडवों के टाइम का है। यहाँ पे ASI पहले भी खुदाई कर चुकी है 58-59 में, उसके बाद अभी भी जगह है। जब कोई ASI इसी बार बोल चुके करेंगे, कब करेंगे मालूम नहीं है। अगर वो करने के बाद मंदिर बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा अंदर और क्या क्या है। जो जगह आपने बंद कर रखी है यहाँ पे वह है, कुछ खोलिए, ASI से काम कराइए, और बढ़ेगा। और काम पूरा होने के लिए तो अभी टाइम इसलिए नहीं दिया गया है कि काम का ही नहीं पता है। अभी मंदिर में कमेटी के अलावा क्या अन्य लोगों को दान तक दे रहे हैं, क्या स्थिति है? कमेटी के अलावा कुछ लोग और भी दान दे रहे हैं, जो सेवक है वो सेवक ही रहेगा, सभी सेवक है। सरकार द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया गया है मंदिर के लिए? अभी तक कुछ प्रदान नहीं किया गया, लेकिन अभी वादा किया है, अगर वो दे देते तो बहुत अच्छा। बाकी ये लोग तो अपनी मेहनत से ही बना रहे हैं, राम दरबार, शिव दरबार और दुर्गा दरबार, ये पूरे अपनी मेहनत से बना रहे हैं, खुद ही कलेक्शन कर रहे हैं। जैसा भी राम प्रताप सिंह चौहान ने कहा है कि अगर कमेटी के लोग मंत्री से मिलने जाएंगे तो क्या आप लोग तैयारी करेंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल हम साथ में रहेंगे, और जो जो भी यहाँ पे रह सकते हैं, मैं नहीं भी रहूंगा वो मारूंगा, तो यहाँ से कमेटी के लोग जाएंगे और हम हंडर से कोशिश करेंगे भव्य मंदिर बने। और किसी तरह से सोमनाथ और मंदिरों के नाम में ये